Shut up and sit down. YouTube एंड अभी काफी दिनों बाद एक लॉन्ग राइड का वीडियो आ रहा है एंड आप सोच रहे होगे कि ये वॉइस ओवर क्यों. तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे जो एक्सटर्नल माइक है कैमरे का उसमें कुछ फॉल्ट हो गया है, उसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा और इंटरनल माइक से इतनी अच्छी होती नहीं है, इसीलिए फिर मैंने ये स्टार्ट किया. तो अभी मैं निकल रहा हूँ नासिक की तरफ, पुणे टू नासिक. नासिक के पास एक सिन्नर बोल के गांव है, वहां पे टेम्पल है गोंडेश्वर, तो वहां पे जाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे नासिक सिटी में. तो घर के यहां से राइड शुरू ना करने का यही रीजन है कि हर बार एक ही रास्ता दिखाने में मजा नहीं आता है. तो इस बार सोचा कि कुछ और करके, वाह सुपर बाइक्स अच्छा लगता है, सुपर बाइक्स को देखना सुबह सुबह एक और. और हाँ, मैंने वही सोचा कि कुछ अलग रास्ता दिखाएंगे इस बार, इसलिए मैंने थोड़ा सा एंड अभी बज रहे अराउंड 6:30 और हम निकल पड़े नासिक की तरफ. एंड वाव गाइस, सनराइज देखने में काफी मजा आता है और एक सुपर बाइक साथ में बहुत बहुत मजा आ रहा है. एंड जो सामने दिख रहा है वो है इंद्रायणी रिवर, यहाँ की फेमस रिवर है. और ये जो रिवर के यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ग्रीन ग्रीन है पत्ते, उसको कहते हैं जलपर्णी. वो आता है बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन की वजह से. सो आप सोच सकते हो कि हमारे यहाँ की रिवर्स कितनी ज्यादा पोल्यूटेड है. वी मस्ट डू समथिंग फॉर द पोल्यूशन ऑल्सो गाइज. सो मच ऑफ पोल्यूशन. हम पहुंच चुके राजगुरु नगर के आगे और यहां से हम मिलेंगे विशाल को. विशाल हाइनवे इज अ यूट्यूबर, अच्छा खासा एक बड़े यूट्यूबर है एंड ही इज माय फ्रेंड एंड आल्सो ग्रुप मेंबर. तो उसको मिलना है. सो वी आर हेडिंग टू आड़े फाटा. तो आड़े फाटा में विशाल हमको मिलेगा और फिर उसके बाद हम हमारे आगे की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं. तो होप कि आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, आगे और भी मजा आए. हेलो एंड वेरी ब्यूटिफुल घाट, इसको एक्चुअली पेट का घाट कहते. सो द एरिया का नाम है, क्या कर रहा है यार ये. सो एरिया का नाम है पेट. सो ये वहां का एक छोटा सा घाट है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन घाट में गाइज हमेशा बहुत केयरफुली गाड़ी चलानी चाहिए. जैसे कि आप देख रहे हो काफी ट्रैफिक है, सुपर बाइक्स हमारे साथ ही चल रहे हैं, तो उनके साथ मतलब बातें बातें नहीं हो रही है, लेकिन मजा आ रहा है. सुपर बाइक साथ में चल रही है, हमारी भी छोटी मोटी बाइक उनके साथ चल रही है और मुझे इसका राइडिंग गियर बहुत पसंद आया है. आई जस्ट लव दैट नियन ग्रीन कलर मैन, मतलब उस कलर का मुझे हर एक चीज पसंद है राइडिंग गियर में, एकदम मस्त. So we have reached आड़े फाटा right now. ये पीछे मेरे यहाँ पे भी तो बस स्टॉप है वो वाला एंड ये बाइक है रमेश बाइक. सो वेटिंग फॉर विशाल नाउ. विशाल के आने के बाद वी लीव फ्रॉम हियर. तो क्या प्यारी लग रही है बाइक. सो अभी हम विशाल को मिल चुके हैं एंड ही इज विथ अस. तो अभी हम आड़े फाटा से निकले हैं स्ट्रेट टूवर्ड्स सिन्नर फर्स्ट
फिर उसके बाद नासिक देयर गोज विशाल, RR 310 पे कौन स्लो जाता है भाई? अब है 310 cc का बीस तो चलाएंगे 100-150 की स्पीड पे, हम भी जा रहे हैं अपने धीरे धीरे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड पे। एक्चुअली रोड कंडीशन इज़ वेरी नाइस, मतलब कि खड्डा नहीं मिला रास्ते में, एंड काफ़ी स्ट्रेट स्ट्रेट हाईवे, तो बहुत अच्छी खासी स्पीड मेंटेन होती है यहाँ पे। मतलब आप बस अपना गाड़ी लेके आओ एंड भगाओ, यही का इस रास्ते का खासियत है। तो पुणे नासिक हाईवे फॉर द स्पीड लवर्स इज़ लाइक अ ट्रीट, मैं यही कहूँगा। लेकिन स्पीडिंग करना है तो अपने लिमिट्स में करना, खुद के लिमिट्स को याद रखना कि हम कहाँ तक गाड़ी को, वो सब चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे देन पूछो मत यार, एकदम वंडरफुल चुम्मेश्वरी रास्ता है ये, आई जस्ट लव दिस। तो अभी यहाँ पे रुके एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, बस ऐसी लोकेशन अच्छा दिखा तो बोले थोड़ा सा फोटो शूट कर लेते हैं, एंड अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, 2 मिनट का ब्रेक लिया है, उसके बाद स्ट्रेट टू नासिक। टेम्पल राइट बिहाइंड मी, और ये जो टेम्पल है वो 800 ईयर्स पुराना है, एज यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल। निकल रहे हैं अब जाएंगे नासिक में, सो दिस इज द टेम्पल बिहाइंड मी, यातना ग्रुप। सो वी हैव रीच नासिक नाउ, सो अभी है नासिक सिटी में, एंड अभी यहाँ से जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने। नासिक में सादरा में से बहुत ज्यादा फेमस है, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, तो हम सिटी के अभी अंदर की तरफ है। ये है साधना मिसर, आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ, कितनी भीड़, बाप रे बाप। तो हम यहाँ पे नहीं खा रहे अभी, अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो जाएगा अगर यहाँ पे रुकेंगे तो। सो बस आगे ये होटल है वहाँ पे जा रहे हैं, अगर यहाँ पे खाने को रुकेंगे तो आराम से 2 घंटे जाएंगे, एंड वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, वापस रिटर्न पुणे भी जाना है। So, maybe next time. Hello,
हेलो 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 साधना में सर खाने का आनंद तो नहीं मिला, लेकिन अंदर आए हम घूमने, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। सो गाइज, अभी हमें यहाँ पे नासिक में एक ब्यूटीफुल सा लोकेशन मिला है, जैसे कि जंगल की तरह। दिस इज गंगापुर डैम। तो मेरे पीछे जो रास्ता जाता है वो जाता है गंगापुर डैम की तरफ, तो वहाँ पे गाड़ी लगा के चल के जाना पड़ता है। एंड हमारा यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा फोटोशूट फॉर द इंस्टाग्राम। सो फार सो गुड, अभी तक हो गया है अराउंड 225 किलोमीटर एंड द राइड इज गोइंग वेरी नाइस। तो अभी निकल चुके हम नासिक से पुणे की तरफ, एंड ये एक्चुअली नासिक के इंटरनल रास्ते हैं। तो यहाँ से अभी हमारा रास्ता ढूंढते ढूंढते गूगल मैप की मदद से हम लगेंगे हाईवे पे एंड देन स्ट्रेट टुवर्ड्स पुणे। विशाल आड़ेफाटा से राइड ले लेगा टुवर्ड्स हिज होम। तो आई थिंक गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, वीडियो को यहीं पे अभी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है। तो बहुत ही जल्द अंधेरा हो जाएगा, तो भी आगे दिखा के कोई मतलब नहीं, यही स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ता है, और आगे जाके राजगुरु नगर में एकदम हैवी वाली ट्रैफिक लगने वाली है। सो मैं यहीं पे अभी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत मेहनत से बनाया है। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में कुछ दम है, आगे जाके कुछ अच्छे वीडियोस मिल सकते हैं, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता देना आपको क्या पसंद नहीं आया है। ओके, सो विद दैट सेड गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज गुड बाय।